देखिए आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं कुछ महीनों से जनवरी के बाद से देख रहा हूँ कि काफी लोग जो हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स जो हैं, वो लॉकडाउन के बाद से डेयरी एनिमल्स में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि अब मैं डेयरी खोलना चाहता हूँ, मैं मतलब अब नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। और जो भी रीजन रहा हो, उनके पास लैंड प्रॉपर्टी है, मदर फादर बूढ़े हैं और वो देखते हैं कि ये संभावना है कि 2-4 हजार रुपये रोज वो डेयरी में कमा सकते हैं, तो इसलिए मतलब काफी लोग आकर्षित हो रहे हैं। मुझे इस बात को देख के बहुत हैरान हूँ, परंतु ऐसा है कि उनको कहीं से ठीक दिशा निर्देश नहीं मिल सकता। बहुत ज़्यादा ऐसा भी है कि लोन ले लिया, लोन भी बहुत आसानी से मुहैया हो रहा है आजकल, और 25-30 लाख ले लिया पर वो हिम्मत नहीं कर पाते। तो ऐसे ही लोगों की मदद के लिए मैं हूँ, और काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और लॉकडाउन में डेयरी की तरफ आकर्षित होकर वो जो हैं जॉब की फिक्र भी नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि बहुत अच्छा सीमेंट अवेलेबल है जिसमें आप 50 लीटर वाली गाय भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आप दूध नहीं बेचना चाहते हैं तो जानवर भी पैदा कर सकते हैं, आप जो है खाली बछिया ही पैदा कर सकते हैं, आप जो है खाली देसी नस्ल की गाय जैसे गिरी साहिवाल इनके बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन का तो खैर जो कुछ है वो है ही, वो तो जैसे कृषि का यांत्रिकरण हुआ, दूध की इम्पोर्टेंस बढ़ी तो लोगों ने उसको मिल्क प्रोडक्शन को धंधा बना लिया, उसमें आदमी बन जाता है और उसमें बीमारियां भी बहुत हो जाती हैं, नुकसान भी होता है। तो पर ये विदेशी सीमेंट आने से, सेक्स सीमेंट आ जाने की वजह से एक नई संभावना जो है वो क्वालिटी काउ प्रोड्यूस करने की, और सेक्स सीमेंट का यूज करके, और वो जो है कि आपका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बढ़ सकता है। अगर आपके पास 10 गाय हैं तो आपके पास 6-7 बच्चे होंगे, 6-7 में से 3-4 मेल होंगे और फिर एक आध मर जाएगा, तो आप 2 ही गाय बना सकते हैं। और अगर आप मिल्क प्रोडक्शन में हैं तो आपका ध्यान मिल्क प्रोडक्शन पे ही रहेगा, एक मिल्क एनिमल जो है 3 बच्चियों के बराबर, 3-4 बच्चियों के बराबर। अगर आप बछिया प्रोडक्शन में जाएंगे, टैक्सी मैन यूज करेंगे, आप 7 बच्चियाँ पैदा कर सकते हैं पहले साल में, पेपर ले आइए, 7 बच्चियाँ पैदा करिए और 7 बच्चियाँ की फिर जो फिर उसकी दुगनी हो जाएंगी, 17 की फिर हो जाएंगी, तो बड़ी जल्दी से बढ़ता है। अगर आपने जर्सी रख ली तो आप बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, लोग जो है वो कर भी रहे आपको, और हम लोग तो मतलब काउ लवर हैं और हमको अच्छा भी लगता है। वैसे भी जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो बाजार का दूध नहीं पीना चाहते, वो किसी भी रीजन से मतलब अपने गाँव का फ्रेश मिल्क पीना चाहते, और उसकी वजह से वो देसी गाय भी रख रहे हैं। तो ये बड़े बड़े आदमियों का और इन्वेस्टर का इसमें आ जाना एक एक नई तरह की डेयरी को शुरू कर रहा है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो अपने शौक में रख रहे हैं, ये मनी इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा जरिया हो गया है। योर मनी कैन मल्टीप्लाई इन एग्रीकल्चर, इट विल टेक टाइम, बट इन एनिमल हस्बेंड्री इट डज नॉट टेक मच टाइम। इफ यू आर फीडिंग ए काउ इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग यू गेट योर मनी बैक। ज्यादा आप कितना खर्च करेंगे, आप 500 रुपये खर्च कर देंगे एक जानवर पर, अगर वो शाम को ही आपको 20 लीटर दूध देती है तो वो तो करीब 1000 रुपये का हो गया, 1-1.5-2 हजार का हो गया। 30 लीटर दूध देती है तो 2000 का, तो कौन सी बैंक ऐसी है जो कि मतलब इसको करती है। देखिए ऐसा है, कोई भी समाज जो है बिना डेयरी एनिमल के आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे आप पंजाब को ले लीजिए, चाहे आप आंध्रा को ले लीजिए, चाहे आप केरला को ले लीजिए, चाहे किसी फैमिली को ले लीजिए जिसमें अच्छे एनिमल्स हैं वो ही खुशहाल होते हैं, चाहे आप डेनमार्क को ले लीजिए, चाहे ब्रिटेन को ले लीजिए, चाहे USA को ले लीजिए। आप देखते हैं फिलिप्स विलिप्स, ये लीलैंड विलैंड गाड़ी जो है, टाटा लीलैंड, ये सब डेनमार्क की, पहले उन्होंने काउ को डेवलप किया, होलस्टीन उनकी है भाई, वो अमेरिकन तो बाद में ले गए उसको, सारे यूरोप में फैली, सभी जगह फैली,
मेरे पास, मैं यूनिवर्सिटी में फॉर्म में था तो मदा करीब 71 में ही करीब 28 गाय आई थी ऑलैंड से। उनका एवरेज जो था वो 30-35 लीटर, वो 40 लीटर 45 लीटर तक। अब ऐसी गाय हिंदुस्तान में ही पैदा होने लगे। वो जैसे सीमेन आता है इसका, एबीएस का सेक्स टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड सायर है, तो उसको लोग लगाते हैं। और आप तो 50 लीटर की गाय तो बहुत होगी। करनाल में तो बहुत सारे ऐसे फार्म है जो तो 4-5 गाय से ही मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं 200 लीटर दूध, 4 गाय से 200 लीटर दूध। आप जो है 20 गाय से भी नहीं कर सकते 200, वो 4 गाय से ही 200 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं। तो 20-25 का एवरेज कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप तो राइट गाइडेंस मिल जाए, राइट वो मिल जाए तो आप भी इसको कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे तो अभी मेरे को बहुत से लोग कश्मीर से कहते हैं, मैं उनको बताता हूँ कश्मीर हिमाचल में जो बैठे हैं वो तो यही समझेंगे यूरोप में बैठे हैं। कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड दार्जिलिंग तो, और डाउन साउथ ऊटी है और बेंगलोर है, तो ये तो बहुत अच्छी जगह। और अगर नहीं भी अच्छी है तो आप 40 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम ले आइए तो आपकी गाय रहने लगेगी। अब यूरोप में तो चक्कर ये है कि -5 से लेके उन्हें 15 पे लाना पड़ता है ना, तो उसमें तो बहुत एनर्जी लगती है। तो यहाँ तो सन भी है, लेबर भी चीप है, तो इसलिए बहुत से लोग जो है छोटे मोटे स्केल पे नहीं। अब तो मेरे एक दोस्त हैं वो 500 लीटर दूध पैदा करते हैं और वो पैकिंग भी करते हैं, और उनका 25,000 का रोज हो जाता है। उनके बच्चे हैं वो मैनेजमेंट में करके आए, वो उसमें भी लगे आए। जब मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो कहते हैं बच्चे उनके, उनकी डॉटर वगैरह कहती है कि अंकल अंकल 25,000 रुपये कोई महीने में भी नहीं देगा जो हम 25,000 रुपये यहाँ पे डेली। ऐसा भी है कि लोग 100 लीटर कमा के, यहाँ मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, 100 लीटर कमा के 5,000-6,000, 200 लीटर कमा के 10,000 रुपये कमा रहे। पर वो थोड़ा टेक्निकल होना पड़ता है, और मैंने देखा है अगर टेक्निकल इनपुट्स है तो आप ये सब कर सकते हैं। मेरा अनुभव है, मैं MBSC करने के बाद एक विलेज में काम करता रहा, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है, 5 साल मैंने वहाँ काम किया। सब मेडिसिन फ्री थी रक्सो की तरफ से। उसके बाद आने के बाद मैं PhD की, फिर मैं प्रोफेसर हुआ, फिर मैं फार्म देखता रहा, 3,000 जानवर थे। फिर मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैं अपने भी जानवर रखता हूँ, डॉग्स भी रखता हूँ, गाय भी रखता हूँ, फ्रोजन सीमन भी रखता हूँ, सेक्स सीमन भी रखता हूँ। और अब तो आपको AI की भी कोई दिक्कत नहीं है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक AI गन आ गई है। आप उसमें कोई भी उसमें कर सकता है। 1 लाख की तो वो आती है, और IBM जो है तो 3 लाख की देते हैं। और ये मैस्टाइटिस की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे एनिमल्स आ गए जो के मैस्टाइटिस फ्री है, उनमें मिल्क फीवर होता नहीं है। और अगर अगर मतलब मैस्टाइटिस हो भी जाती है तो आजकल वो है सोमेटिक सेल काउंटर है, जिससे आप उसमें इन्फेक्शन जो है 10-15 दिन पहले ही पता लगा सकते हैं। और आप ये भी पता लगा सकते हैं कि मेरे मिल्क का प्रोडक्ट कितना अच्छा बनेगा। तो मैं जो ऑनलाइन ये सर्विस देता हूँ, मैं पढ़ाता रहा वेटनरी साइंस 2004 तक, सन 70 से 2004 तक मैंने पढ़ाई, और मैं PhD हूँ इसमें। मैं नेशनल उसको अवार्ड भी मिल चुका है DVT से। इसमें मैं दिल्ली में MBBS में रहा और मैं कैम्ब्रिज में भी रहा। तो खैर वो बात तो दूसरी है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था, फिर मैं बाद में रिटायरमेंट के बाद फिर पढ़ाने लगा बायोटेक्नोलॉजी। या पढ़ाने लगा या पढ़ने लगा मेरे समझ में नहीं आया कि मैं बीटेक बायोटेक को पढ़ाता था। तो उस बीच में मैंने काफ़ी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और इंडोक्राइनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, प्रोटीन केमिस्ट्री इसको समझा, और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। अभी मैं करीब 75 साल का हूँ, 76 साल में चल रहा हूँ, और मैं अब भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। और वेटनरी की मेडिसिन तो उसका एक पार्ट है, असली चीज तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। अब तो आप क्या कहते हैं एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लोग कहते हैं साहब ब्राजील हमारी गाय लेके आओ, क्या
ब्राजीलियंस ने 2 करोड़ रुपए देके भावनगर में एम्ब्रियो लैब खोल रखी है। वहां से वो गिरी के एम्ब्रियो ले जाते हैं, आज की डेट में भी ले जाते हैं, और दुनिया भर में उसके गिरी के एम्ब्रियो बेचते हैं। वो दिल्ली में भी अभी आए थे, 40,000 रुपए का एक एम्ब्रियो बेचा उन्होंने, और लोगों ने खरीदा प्रगति मैदान से। तो वेटनरी साइंस जो है, मतलब वेटनरी मेडिसिन जो है, वेटनरी मेडिसिन अलग है, एनिमल प्रोडक्शन अलग है, वेटनरी मेडिसिन तो इसका एक पार्ट है थोड़ा सा। मैं वेटनरी मेडिसिन में ही रहा, फिर मैं लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ाता रहा, तो फिर मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाता रहा। तो मेरे समझ में ये आया कि जो एनिमल के डिजीज है वो तो थोड़ा सा ही पार्ट है ना, बेसिक तो मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है ना। आजकल जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स मिल रहे हैं, ऐसे एनिमल्स मिल रहे हैं जिसमें के मैस्टाइटिस नहीं होंगी, ऐसे एनिमल्स मिल रहे हैं जिनमें के फुट एंड माउथ नहीं होगा, ऐसे वो पैदा हो रहे हैं बच्चे जो कि फीमेल ही पैदा होगी, मेल पैदा ही नहीं होगा। आपको बता दूं कि भारतवर्ष में 14 सेंटर खुल रहे हैं जो सेक्स एम सीमेन रहेंगे, और उसमें एक ये मैं देहरादून में रहता हूँ, ऋषिकेश में खुल गया, और दे रहे हैं वो सीमेन, और यहाँ उत्तराखंड के लिए और यूपी के लिए वो 150 रुपये में देसी गाय में सीमेंट डलवा लीजिए, हरियाणा वो साहिवाल या गिरी का, और 400 रुपये में विदेशी उसका। आपको ये जितने साण सड़क पर ऋषिकेश और मथुरा और मिर्जापुर और बनारस में घूमते दिखाई दे रहे, ये 3-4 साल में आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि तो 14 सेंटर खुल रहे हैं ऐसे। और इनकी बैलों की और सांडों की ऋषि के यांत्रिकरण होने की वजह से इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिनके पास थोड़ी मोड़ी भी लैंड है, 2-4 एकड़, और तो मजे से कमा सकते हैं। हमारे दोस्त है शर्मा जी, तो वो तो चारा वारा उगाते थे, पर वो लेबर की बड़ी प्रॉब्लम थी, वो भूसे पे ही जानवर रखते हैं, 25 लीटर के जानवर है उनके पास। मैं आपको उनका नंबर भी दे सकता हूँ, आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं, और हर एक स्टेट में मतलब ऐसे आदमी हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जिस स्टेट में भी हैं, और आप डेयरी को कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट भी चलता है yukasaiya.com, आपका कोई भी प्रश्न होता है आप कभी भी मुझसे किसी टाइम भी पूछ सकते हैं, मैं अपने को धन्य समझूंगा आपका उत्तर देने के लिए। प्रोफेसर सैया हूँ, मैं BBSc MBSc PhD हूँ। मेरा टेलीफोन नंबर जो है 8979-74-8686 है, और आप मुझको और नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो है 8870-898-6401। तो आप इन दोनों नंबरों पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं।